अरे अर्थलान आर्यन, अरे बेटा जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। चलो पापा। चलो पापा। अबे ड्रेस कहाँ है तुम्हारी? पाजी मैम ने मना करा है कि पुरानी ड्रेस अब नहीं चलेंगी, नहीं दिला दो। अच्छा, अरे पिछले साल तो ड्रेस दिलाई थी। पापा जी नया कोर्स दिला दो, बर्क बहुत पीछे हो गया, मैम भी रोड डालती है। अच्छा चलो अभी कोर्स भी दिलाएंगे तुम्हारा। चलो बैठो, ला बैग मुझे दे। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? जी बिल्कुल आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं अरसलान और आर्यन का फादर। बच्चे बोल रहे थे कि उनकी पुरानी ड्रेसें नहीं चलेंगी, नई ड्रेस बनानी पड़ेगी। जी सर, पुरानी ड्रेसें बंद कर दी गई हैं, अब से नई ड्रेस चलेंगी। पर सर पिछले साल तो हमने नई ड्रेस बनाई है, वो तो अभी छोटी भी नहीं हुई है। क्या कर सकते हैं सर, स्कूल के रूल हैं तो रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता। वो सर मैं कोर्स के लिए भी आया था। ठीक है, मैं आपको कोर्स की लिस्ट दे देता हूँ, ले लीजिए। और हाँ, फर्स्ट क्वार्टर और एनुअल फी बाहर काउंटर पर डिपॉजिट करा दो, आपकी फीस ऑलरेडी 10 दिन लेट हो चुकी है। सर वो फर्स्ट क्वार्टर और एनुअल फीस मिला के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो कुछ डिस्काउंट हो जाता तो मैं आसानी से जमा करा देता। नो सर, यहाँ सब फिक्स होता है। ठीक है सर। अरे भैया दो बच्चों की यूनिफॉर्म निकाल देना, एक 10 साल की एक 8 साल की। एक मिनट सर। ये लीजिए सर, 6,000 रुपये दे दो आप। 6,000 रुपये दो बच्चों की यूनिफॉर्म के? अरे सर जी कुछ तो डिस्काउंट करो, मिडिल क्लास आदमी हो। सर फिक्स प्राइस है, नो डिस्काउंट। अरे भाई साहब इतने महंगे तो ब्रांडेड शोरूम पे भी कपड़े नहीं मिलते, इतनी महंगी आपने यूनिफॉर्म दी है, देख रहे हो क्वालिटी भी इतनी बढ़िया नहीं है, ऐसे कपड़े तो मार्केट में 200-400 रुपये मिल जाएंगे। सर ये ड्रेस महंगी तो हमें भी लग रही है, पर क्या कर सकते हैं, ये रेट हमारे नहीं स्कूल के हैं। और सर आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, आपको ये ड्रेस इस दुकान के अलावा कहीं मिलेगी भी नहीं। ठीक है भाई साहब, अगर बच्चों को पढ़ाना है तो महंगी ड्रेस तो लेनी पड़ेगी। लो भाई साहब 6,000 रुपये। थैंक यू। अंकल जी ये स्कूल की स्लिप है, दो बच्चों की किताबें निकलवा दो, एक 3rd क्लास एक 5th क्लास। देखिए जी लीजिए सर, आपके हुए 10,300 रुपये। 10,300? सर दो बच्चों के कोर्स के 10,300? सर जी कुछ ज़्यादा महंगा नहीं हो रहा, कुछ तो डिस्काउंट दो। सर हमारे यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं, फिक्स प्राइस है। सर ये तो शिक्षा का मामला है, हर चीज़ पर आज का डिस्काउंट चल रहा है, तो किताबों पर भी दो। सर किताबों पर कोई डिस्काउंट नहीं होता, हमें भी हिसाब देना होता है। हिसाब? सर ये MRP 350 रुपये, 10 पन्ने पूरे नहीं है। MRP 400 रुपये, कोई हिसाब है महंगाई का? एजुकेशन MRP पे बेची जा रही है हमारे देश में। सर जी चाउमीन बर्गर डोसा मोसा इलिपकार्ट फ्लिपकार्ट हर चीज पर ऑफर डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री, पर एजुकेशन फिक्स प्राइस। साला शिक्षा के नाम पर धंधा हो रहा है प्राइवेट स्कूलों में, शिक्षा दी थोड़ी जा रही है, बेची जा रही है वो भी फिक्स प्राइस में। या तो बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप कर्जे में डूब के मर जाए, या बच्चों का नाम कटा के किसी कारखाने या किसी होटल में प्लेट धोने के लिए छोड़ दे, अब गरीब करे तो क्या करे। सर मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी कोई गलती नहीं है सर जी, गलती है हम जैसे पेरेंट्स की, जो इन मुद्दों पे कभी आवाज ही नहीं उठाते, जैसा होता है वैसा होने देते हैं। पर अब नहीं, आज मैं जागा हूँ, कल मेरे देश का हर पेरेंट्स जागेगा और आवाज उठाएगा इस फिक्स प्राइस एजुकेशन पे। ये शिक्षा है कोई खाने की चीज नहीं, अरे इसे तो इतना सस्ता होना चाहिए कि गरीब से गरीब अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सके, लिखा सके, कुछ बना सके, क्योंकि ये बच्चे नहीं हमारे देश का फ्यूचर है, इन्हें एजुकेटेड होना चाहिए। अगर मेरी बात से सहमत हो तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो मैंने सही बनाया या गलत। जय हिंद जय भारत।